गाइस ये पानी चल रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है, देख सकते हो पानी फिर भी बंद नहीं हो रहा है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको क्यों बंद नहीं हो रहा है। पहले तोड़ के चेंज किया था, पहले दूसरा वाला मैंने चेंज किया था, लेकिन वही फ्लास्कॉक रोबर वाइसर वाला फ्लास्कॉक डाला, तो मैं इसको तोड़ के सेरेमिक वाला डालूंगा। कैसे डालूंगा आप देखिए, फिर सॉल्व होता है कि नहीं वो देखिए। ठीक है, अभी पानी इसके अंदर खोल के दिखाऊंगा कैसा है। ये देखिए अंदर, इसके अंदर क्या सिचुएशन है। हमें अरे चलो ये टाइट हो रहा है ना, चिरक के बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होता है, फिनिश में आएगा, आप देख सकते हो फिनिश फिनिश में आएगा, ज़्यादा उबाल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कर दो, कुछ कर दो, आप देख सकते हो ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है, एरो का आउटलेट में लगाना है, क्या है ना, इनलेट पे अपना एम्प्टी लगा हुआ है। ठीक है, पानी चालू करके चेक कर लेंगे कि जोर से लीकेज है या नहीं। अपना दिख रहता है, सिर्फ इनलेट पे अपना दिख रहता है, बाकी आउटलेट में कोई दिक्कत नहीं है। इनलेट पे पानी ऑनलाइन रहता है ना, पूरा 24 कलर चालू रहता है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। जो एक बार कपड़े से थोड़ा ड्राई कर लेंगे, पानी आ रहा था, उसके बाद में अपने को जॉइंट पे चेक करना है कैसे, तो जॉइंट से लीकेज तो नहीं है। अब फिटिंग बाकी है, ठीक है, अभी जॉइंट चेक कर लेंगे, बराबर है, पानी यहाँ तक लोड रहेगा स्पेंडल तक, बाद में चालू करेंगे पानी यहाँ आएगा। अभी वो पानी चालू हुआ, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं वाला जॉइंट खुला के दिखाओ, वो पूरा का पूरा ड्राई, अगर जॉइंट लीकेज रहेगा ना, एक एक बूंद या थोड़ा थोड़ा भी आपको गीला हो जाएगा। ये वाला जो है पीछे वाला जो क्या है ना, पीछे वाला दीवार थोड़ा गीला हुआ है, तो पानी आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। देख सकते हो यहाँ पे काम में अपना क्या क्या लगेगा, यहाँ पे जितना काम बाकी है पेंडिंग है, उसमें एक कपड़ा लगेगा जो यहाँ लगेगा, और एक एल्बो लगेगा यहाँ लगेगा, और पाइप लगेगा जैसे मेजरमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पॉलिश कागज पाइप जो सीमेंट वगैरह लगा लगा हुआ है, मैंने कहा
उन्हें चेक कर लिया, खाली इतना जाएगा, इसको यूज करना है, थोड़ा छोटा करना है, इसको थोड़ा सा काट के छोटा करना, 5 mm जैसा। आपको साफ करना होगा, देखिए आपका जॉइंट को खराब कर सकता है ये, बड़ा खराब कर सकता है, बड़ा खराब कर सकता है, इसको थोड़ी पॉलिश कीजिए। भाई भाई देखो क्या करता है, कोचिंग में पॉलिश करते रहेगा, और ये आपको एक साथ दो बार दिखाऊंगा, कैसे कैसे करना है, फटाफट करने का थोड़ा सा। ठीक है, दोनों वाले सॉल्यूशन दिया, ठीक है, पहले नीचे पुश करूंगा, नीचे खुश हो गया, अब इसे थोड़ा सा खींचना है, अगर ना आए तो इस हथौड़े मारने का सहारा ले। चलो देखो, नीचे भी जॉइंट खुश हो गया, ऊपर भी जॉइंट खुश हो गया, नीचे भी जो सॉल्यूशन पूरा का पूरा गया है, और यहाँ भी पूरा का पूरा गया है, पूरा सक्सेस। पूरा कमरा कंप्लीट है, ये सॉल्यूशन जॉइंट, ये सॉल्यूशन जॉइंट, ये वाला सॉल्यूशन जॉइंट, ये वाला सॉल्यूशन जॉइंट, ये वाला सॉल्यूशन जॉइंट, ये कंप्लीट हो गया। फ्लास्क ऑफ चेंजिंग, ये फ्लास्क ऑफ चेंज करने का तरीका ये है कंसील के अंदर जो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई जरूरत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एरिस कंपनी का कॉक है, आपको फिनिशिंग दिखाऊंगा अभी, देख सकते हो फ्लास्क ऑफ फाइनल हो गया है, फिटिंग फाइनल हो गया, कहीं से एक बूंद भी लीकेज नहीं है, एक टिप्पा भी, पूरे का पूरा ड्राई है। क्लियर है, और पानी चालू करता हूँ, बंद हो गया फ्लास्क को, बंद है। देख सकते हो कैसा फ्लास्क ऑफ फाइनल हुआ, और ये एरिस कंपनी का है, और ये पानी अभी बंद है, ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हो चालू किया, वापस बंद कर रहा हूँ।
चलो पानी बंद हो गया, सक्सेस, ये कंप्लीट सिरेमिक वाला कॉक है, फाइनल हो गया।